हेलो फ्रेंड, इंडियागढ़ चैनल में आपका स्वागत है। आज की इस वीडियो में 20 से 21 अक्टूबर छत्तीसगढ़ से जितने भी महत्वपूर्ण करेंट अफेयर बनते हैं उसके बारे में पूरे डिटेल से डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से जुड़े इम्पोर्टेंट फैक्ट के बारे में मैं बताऊंगा। तो आप वीडियो को पूरा ध्यान से देखिए। आज के वीडियो का PDF हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ के प्राप्त कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा हूँ। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा पहला क्वेश्चन, मल्टी मॉडल लॉजिस्ट पार्क किस जिले में प्रस्तावित है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए, रायपुर जिले में प्रस्तावित है। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। देश का पहला मल्टी मॉडल लॉजिस्टिक पार्क असम के जोगी गोफा में बनने वाला 1200 करोड़ की लागत से 300 एकड़ जमीन में जो पार्क विकसित होगा, रेल रोड जल और वायु मार्ग से जुड़ा होने के कारण वहां से बांग्लादेश, म्यांमार, मलेशिया सहित ईस्ट एशिया देशों में कारोबारी कार्य आसान हो जाएगा। इससे उत्तर दक्षिण भारत का सामान पूर्वोत्तर जा सकेगा और वहां का सामान कम लागत से दूसरे राज्यों में उपलब्ध हो सकेगा। केंद्रीय सड़क परिवहन मंत्री नितिन गडकरी मंगलवार को असम में 694 करोड़ रुपए की लागत बनने वाले देश के पहले मल्टी मॉडल लॉजिस्ट पार्क की आधारशिला रखेंगे। से आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, ये कहाँ बन रहा है? असम में बन रहा है। रायपुर में भी प्रस्तावित है दोस्तों। तो रायपुर की बात आई है तो रायपुर के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं। रायपुर की स्थापना 2 नवंबर 1861, मुख्यालय रायपुर। रायपुर किस नदी के किनारे बसा है? तो खारून नदी के किनारे बसा है। छत्तीसगढ़ की राजधानी अटल नगर नया रायपुर। 1862 रायपुर को छत्तीसगढ़ का संभाग बनाया गया। 1967 रायपुर को छत्तीसगढ़ का सबसे प्राचीन और प्रथम नगर निगम बनाया गया। औद्योगिक क्षेत्र, उरला प्रदेश का प्रथम औद्योगिक विकास केंद्र टाई पोर्ट, सिलतरा प्रदेश का सबसे बड़ा औद्योगिक विकास केंद्र है, साइकिल कॉम्प्लेक्स, एग्रो एक्सपोर्ट जोन, भानपुरी अप्रैल पार्क, रावभाटा मेटल पार्क, तिलदा राइस कॉम्प्लेक्स, पॉली पार्क। छत्तीसगढ़ की सर्वाधिक राइस मिलें कहाँ स्थित है? तो तिलदा रायपुर में स्थित है। अटल नगर नया रायपुर, कुबेरभाटा और राखी गाँव, जेम्स एंड ज्वेलरी पार्क स्पेशल इकोनॉमिक जोन, आईटी पार्क स्थित जंगल सफारी मड़वा ग्राम, परसदा वीर नारायण सिंह अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, नागार्जुन कंस्ट्रक्शन हैदराबाद द्वारा निर्मित प्रमुख संस्थान NIT रायपुर, पंडित दीनदयाल आयुष स्वास्थ्य एवं चिकित्सक विश्वविद्यालय रायपुर, ऑल इंडिया मेडिकल संस्थान एम्स रायपुर, भारतीय प्रबंधन संस्थान IIM रायपुर, मैर्स विश्वविद्यालय गुल्लू आरंग, पुरखौती मुक्तगंज, राज्य सरकार द्वारा छत्तीसगढ़ की प्राचीन संस्कृति को सहजे एवं दर्शाने का प्रयास, चंद्रखुई कौशल्या माता, भारत का एकमात्र हाटकेश्वर मंदिर रायपुर, खारून नदी के तट पर बसा है। तो इस क्वेश्चन से दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में छत्तीसगढ़ का एकमात्र नौकरशाह कौन है जो देश के टॉप 50 ब्यूरोक्रेट्स में शामिल हुए हैं? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों सी, सुब्रत साहू। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। देश भर में 50 प्रभावशाली ब्यूरोक्रेट्स के तौर पर चुने गए सुब्रत साहू प्रदेश के एकमात्र नौकरशाह हैं। उन्हें यह किताब गेम इंडिया की रिपोर्ट की बदौलत मिला है। हालांकि सैम्य गंभीर और उरी सिद्दत से अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी निभाने वाले सीनियर IAS सुब्रत
शाहू के नाम पर कई उपलब्धि जुड़ी हुई है, जिसे आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों। ठीक है दोस्तों, यहाँ एक IAS अधिकारी है, से हाल ही में किताब फेम इंडिया से सम्मानित किया गया है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन से दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने 20 अक्टूबर 2020 को किसके जयंती का शुभकामनाएं दी है? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों बी, ठाकुर प्यारे लाल सिंह। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने छत्तीसगढ़ में श्रमिक आंदोलन के सूत्रधार और सहकारिता के प्रेरिता ठाकुर प्यारे लाल सिंह को नमन किया। ठाकुर प्यारे लाल सिंह की पूर्ण तिथि 20 अक्टूबर को मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने ठाकुर प्यारे लाल सिंह के योगदान को याद किया। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में स्वतंत्रता संग्राम को आगे ले जाने के साथ ही यहां जन जागरण व स्वर्गीय ठाकुर प्यारे लाल सिंह का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। उन्होंने छत्तीसगढ़ में छात्रों को संगठित कर राष्ट्रीय आंदोलन की ओर मोड़ा। राजनांदगांव में मिल मजदूर को अधिकार दिलाने के लिए उन्होंने संघर्ष किया और उनका हक दिलाया। लोगों का शोषण और अत्याचार से मुक्त कराने की दिशा में भी वह सक्रिय रहे। उनके नेतृत्व में छत्तीसगढ़ में बुनकर संगठित हुए और छत्तीसगढ़ बुनकर संघ की स्थापना हुई। मुख्यमंत्री बघेल ने कहा, ऐसा सेवाभावी माटी पुत्र ठाकुर प्यारे लाल सिंह के विचार मूल्य हमेशा हमें प्रेरित करते रहेंगे। से आप इमेज में देख सकते हैं दोस्तों, यहाँ ठाकुर प्यारे लाल सिंह। ठीक है दोस्तों, स्वतंत्र सेनानी। अब राजनांदगांव की बात आई है, तो राजनांदगांव के बारे में कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट देखते हैं दोस्तों। राजनांदगांव की स्थापना 1973 किस नदी के किनारे बसा है? शिवनाथ। प्रदेश में बहने वाली सबसे लंबी नदी है शिवनाथ नदी। टोटल लंबाई है 290 किलोमीटर। मुख्यालय राजनांदगांव। मातृत्व जिला दुर्ग। मुख्य खनिज लौह अयस्क, न्यूरेलियम फ्लोराइड। खैरझिटी प्लास्टिक पार्क, देसे सारा फूड पार्क, इंडवानी फूड प्रोसेसिंग पार्क, ये सब कहाँ हैं? तो राजनांदगांव में हैं। 27 नवंबर 1988 राजनांदगांव से नागपुर प्रदेश का प्रथम ब्रॉडगेज रेल प्रारंभ। 1982 बंगाल नागपुर कॉटन मिल की स्थापना। प्रथम किसान मॉल की स्थापना राजनांदगांव में की गई है। इंदिरा कला संगीत विश्वविद्यालय खैरागढ़ 1965 एशिया का एकमात्र संगीत विश्वविद्यालय तथा प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय स्थापना वीरेंद्र बहादुर सिंह के द्वारा किया गया है दोस्तों। डोंगरगढ़ प्राचीन नाम कामवतीपुरी माँ बम्लेश्वरी मंदिर स्थापना किसके द्वारा किया गया है? तो राजा वीर सेन के द्वारा किया गया है माता बम्लेश्वरी। प्रज्ञागिरी पहाड़ी, माइकल श्रेणी, चितवा डूंगरी, नवपाषाणकालीन स्थल गुफा, ये सब कहाँ है? तो राजनांदगांव में है दोस्तों। तो इस क्वेश्चन से दोस्तों इतना इम्पोर्टेंट फैक्ट को आप याद रखिए, एग्जाम में जरूर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। छत्तीसगढ़ करेंट अफेयर का हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में छत्तीसगढ़ का पहला वाटर एंड एजुकेशन ट्रेनिंग सेंटर पार्क किस शहर में शुरू की जाएगी? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों ए, आरंग। क्वेश्चन के स्पष्टीकरण देखते हैं। बेंगलुरु की तरह आरंग में राज्य का पहला वाटर एजुकेशन पार्क स्थापित। बेंगलुरु की तरह आरंग में वाटर एंड एजुकेशनल ट्रेनिंग व रिसर्च पार्क बनाया जाएगा। राज्य का यह पहला रिसर्च पार्क होगा।
जहाँ इंजीनियर व फ्राइबरू के साथ स्कूल कॉलेज स्टूडेंट को डिजिटल व प्रैक्टिकल माध्यम से वाटर हार्वेस्टिंग के बारे में जानकारी दी जाएगी। 4.5 एकड़ में यह प्रोजेक्ट तैयार होगा, जिसमें रेन वाटर हार्वेस्टिंग के सभी मॉडल बनाए जाएंगे। इनमें कॉमर्शियल ब्लैंक भी होगा, जिसके अंतर्गत शॉपिंग कॉम्प्लेक्स और रेस्टोरेंट आदि बनाए जाएंगे। तो ये वीडियो आप लोग को कैसा लगा दोस्तों, कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। यदि मेरे इस वीडियो से भी आपको हेल्पफुल मिला हो, तब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, लाइक शेयर। थैंक्स फॉर वॉचिंग इंडियागढ़।